नगरीय चुनाव मतदान के दौरान कांग्रेस समर्थकों के साथ की गई अभद्रता को लेकर प्रेस वार्ता की गई। टीकमगढ़ शहर के एक निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें बीते दिनों पहले नगरीय चुनाव मतदान के दौरान विधायक राकेश गिरी के भाई गोलू ने कांग्रेस समर्थकों से झगड़ा कर फर्जी मतदान कराया एवं कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जिससे प्रताड़ित कांग्रेस समर्थकों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। मतदान करवा रहे थे अपने वार्ड का, चुनाव हो रहा था, हमें खबर लगी कि विधायक जी और उनके भाई की पिटाई हो चुकी है, तो पूरे शहर में खुशी की लहर जाग गई। एक एक व्यापारी, एक एक इंसान एक दूसरे को बधाई दे रहा था। ये व्यवहार विधायक जी ने कमाया है या उनके कर्मों ने कमाया है? और मैंने ये तक सुना है कि रात को जब उमा भारती बुआ जी उनके घर गई है, बाहर निकलने के बाद हमारा एक आदमी वहाँ खड़ा था, उमा भारती जी ने कहा है ये देखो ये तुम्हारे व्यवहार है, ये तुमने कमाए हैं, और वहाँ देखो यादवेंद्र सिंह क्या कितनी भीड़ है। तो ऐसा हमको जब सूचना मिली तो मैं आदरणीय उमा भारती बुआ जी से बोलना चाहूँगी, बुआ जी ना सिर्फ कांग्रेस, ना सिर्फ जनता, आपकी भारत बीजेपी के लोग भी परेशान हैं। इस व्यक्ति ने किसी को नहीं छोड़ा पैसा खाने में, और ये वक्त था चुनाव का, इसलिए हर व्यक्ति खुल के आगे आया है। आज तक ये सब पे दबाव बना रहे थे। वार्ड नंबर 6 की मैंने आप लोगों को लगातार अवगत कराया कि हमारे यहाँ भी किस तरह दबाव बना जा रहा है। सरकारी कर्मचारी मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा है, उन लोगों तक तो धमकी दी गई है, और एक दो फैमिलीज का मुझे पता भी चला है कि इन लोगों ने दबाव में कल खुल के काम किया है, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों ने काम किया है। तो मैं बस 20 तारीख का इंतज़ार कर रही हूँ। हम यदि भारी बहुमतों से जीतेंगे तो उन परिवार से भी मैं घर जाके बात करूंगी कि आपका ये रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर मैं बदले की भावना किसी के लिए नहीं रखती हूँ। यदि हम जीत के आते हैं तो हम हर वार्ड के हमारे वासी के लिए काम करेंगे। जो खुल के भी हमारा विरोध किया है, जिसने अंदरूनी तौर पर भी विरोध किया है, हम सारी बातें करके उनसे आगे बात करेंगे। विधायक जी का सुनने में आया रात को 2-2 बजे घर पे जाके आवाज़ लगाई है नीचे आ, ऐसे करके लोगों को घर से नीचे उतारा है रात के 2-2 बजे। गुंडागर्दी, साड़ी बांट रहे, हजार हजार रुपए एक आदमी के बांट रहे, ये परिवार वो परिवार टारगेट कर रहे। मेरे साथ में 2-4 लोग लगाए कि ये किस परिवार में ज़्यादा इनको रिस्पांस मिले तो हमें सूचना करना। तो मैं बस 20 तारीख का इंतज़ार कर रही हूँ। जीत गए तो उन जो चमचे मेरे साथ घूम रहे थे वो माफ़, और यदि हमको अच्छी जीत नहीं मिली तो सबसे पहले उनकी पिटाई मैं खुद करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।